हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वे हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि उनमें किसी भी तरह का बदलाव होता है तो वह बदलाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। आज हम ऑर्गन स्प्लीन यानी तिल्ली के बारे में बात करेंगे। स्प्लीन का क्या काम होता है, यदि स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है तो उसके कारण हमें क्या क्या समस्याएं होने लगती है, और यदि तिल्ली का साइज बढ़ गया है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, और यदि तिल्ली का साइज बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काशाद के और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। तिल्ली मतलब स्प्लीन, यह हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। यह हमारे शरीर के रक्त को छानने का काम करती है, मतलब ब्लड को फिल्टर करती है। स्प्लीन का क्या काम होता है, जो हमारे शरीर में शुद्ध लाल रक्त कोशिकाएं हैं एवं अशुद्ध लाल रक्त कोशिकाएं हैं, दोनों को फिल्टर करके शुद्ध लाल रक्त कोशिकाओं को अंदर जाने देती है और जो अशुद्ध रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। और यदि इस कंडीशन में स्प्लीन ठीक तरह से काम नहीं करती है तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है और हमें स्प्लीनोमेगालिया हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस कारण से स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है एनीमिया। जिन व्यक्तियों में खून की बहुत ज्यादा कमी होती है, चाहे वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो, चाहे वो सिकल्स एनीमिया हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, किसी भी कारण से किसी भी कंडीशन में स्प्लीनोमेगालिया हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं जिनके कारण स्प्लीनोमेगालिया हो जाता है। लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर, पोर्टल हाइपरटेंशन, चाहे वो सिप्लिस हो, गेनोरिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सेप्टिसीमिया हो, किसी भी कंडीशन में स्प्लीनोमेगालिया हो जाता है। क्या होता है कि टाइफाइड के कारण, और मलेरिया तो उसका बहुत बड़ा कारण होता ही है, जो व्यक्ति मलेरिया का पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं उन व्यक्तियों में स्प्लीनोमेगालिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्प्लीनोमेगालिया कई बीमारियों के कारण हो सकती है। जब भी कोई बीमारी आरबीसी पर अटैक करती है और आरबीसी बहुत ज्यादा जल्दी मरना चालू हो जाती है, क्योंकि स्प्लीन ब्लड को छानने का काम करती है और स्प्लीन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगता है, जिस कारण से स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है और स्प्लीनोमेगालिया हो जाता है। चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है इसका पेट का दर्द करना, और वहां पर जहां पर स्प्लीन होती है यदि उस जगह पर अपन दबाते हैं तो और बहुत ज्यादा तेज दर्द करने लगता है पेट। केस्टल मेथड के द्वारा भी आप स्प्लीन के साइज का पता लगा सकते हैं। वैसे भी कंफर्म करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही पड़ेगा। स्प्लीनोमेगालिया के साथ साथ उस बीमारी के लक्षण भी नजर आएंगे आपको, जिस बीमारी के कारण स्प्लीन का साइज बढ़ा है। यदि आपको लग रहा है कि आपके स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है तो आपको कंफर्म करने के लिए एक सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना होगा। इसमें आरबीसी कम दिखती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम दिखता है, प्लेटलेट काउंट कम दिखते हैं एवं न्यूट्रोफिल एवं डब्ल्यूबीसी काउंट कम दिखते हैं, या किसी किसी कंडीशन में बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं यानी सोनोग्राफी के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है या कम है। यदि आपको इंटेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो घबराएं नहीं, आप स्पेशलिस्ट से मिलें, मतलब गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। एक बात और मैं बता दूं आपको, बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, और फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।